खबर है अयोध्या जिले से। अयोध्या जिले की कोतवाली रुदौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरप्रांतीय जहर खुरानी गैंग की 4 महिला समेत 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी गिरफ्तारी भेलसर के पास से की गई है। ये गैंग के चोर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व बस पर यात्रा करते समय यात्रियों को खाने की चीजों में जहर मिलाकर बेहोश करते थे, जब उनके साथ फिर वो सामान लूटा करते थे। ये चोर चोरी की घटना को रात में अंजाम दिया करते थे। अयोध्या तथा अंबेडकर नगर अन्य जनपदों में भी चोरी करते थे। कई घटनाओं का खुलासा में पता चला कि 42 मोबाइल, 4 लैपटॉप व 68,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इस मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी रुदौली संदीप कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। आज दिनांक 13/9 को सुबह 6:15 बजे भेलसर फ्लाईओवर के पास से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन में थाना रुदौली के प्रभारी निरीक्षक शशिकांत यादव, जनपदीय स्वाट टीम व सर्विलांस टीम के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है, जिसमें अंतरप्रांतीय चोरों के गिरोह को पकड़ा गया है। इस गिरोह के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करा के खाने पीने की वस्तुओं में मिला करके भीड़ भाड़ वाले स्थानों में, धार्मिक स्थलों पे, बस स्टैंड, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, मंदिर मस्जिद के आसपास जो वहाँ पे भीड़ में लोग शामिल रहते हैं, उनसे उनके खाने पीने की वस्तुओं में खिलाने के बाद से मोबाइल, लैपटॉप, उनके जो कीमती सामान हैं, रुपये पैसे, ये चोरी किए जाते हैं। इसके अलावा इस गैंग के द्वारा रात्रिकालीन चोरियाँ भी की जाती हैं। इस गैंग के द्वारा जनपद अयोध्या के अतिरिक्त जनपद गोंडा व अन्य जनपदों से भी चोरी की घटनाएं की गई हैं। उससे संबंधित मोबाइल, लैपटॉप व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जनपद अयोध्या के कोतवाली रुदौली, कोतवाली कैंट व अन्य तमाम थाना क्षेत्रों के चोरी किए गए माल की बरामदगी इनके द्वारा इनसे हुई है। इस माल में 42 मोबाइल हैं, 4 लैपटॉप हैं, रुपये लगभग 68,000 रुपये हैं। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई सर? इसमें अभी 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। और महिलाओं? 6 में 4 महिलाएं हैं। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल रहती हैं। पुरुषों के द्वारा जो घटना की जाती है, जो सामान लूटे जाते हैं, चोरी की जाती हैं, उनको महिलाओं को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि ये पकड़े जाएँ तो इनके पास से कोई रिकवरी ना हो सके और उनको आसानी से कोई पकड़ ना पाए।